पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी एवं सांसद डिंपल यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इसमें दोनों हाथ जोड़कर झुककर खड़े हैं। फोटो को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो दोनों बाहुबली गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कब्र को प्रणाम कर रहे हैं। पिछले साल दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अखिलेश यादव को लेकर भी एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी समाधि पर फूल अर्पित कर रहे हैं। एक यूजर ने ये फोटो पोस्ट की है। पोस्ट के साथ यूजर ने कैप्शन में लिखा है, एनकाउंटर में ढेर हुए अतीक अहमद और अशरफ की कब्र पर उनके बेटे बहू अखिलेश और डिंपल। कई और यूजर्स ने भी यह फोटो शेयर की और यही दावे किए। ट्विटर पर इस फेक पोस्ट का संज्ञान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लिया और फेक पोस्ट करने वाले के खिलाफ जॉर्ज टाउन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। माफिया अतीक अहमद से अखिलेश यादव और डिंपल यादव को जोड़ने से सफाइयों में काफी नाराजगी है। सपा ने तुरंत ही इसका खंडन किया और मुकदमा दर्ज करा दिया। 14 नवंबर 2022 को अखिलेश यादव ने दो फोटो शेयर की थी, जिनमें से एक फोटो वही है जिसे अतीक अहमद की कब्र के साथ जोड़कर शेयर किया जा रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह की भी फोटो दिख रही है, जिस पर फूलों की माला चढ़ी है। वायरल पोस्ट और किया जा रहा दावा झूठा है। अखिलेश और डिंपल यादव 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इलाहाबाद का मनोज श्रीवास्तव है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अशोभनीय भाषाओं का जो प्रयोग कर रहा है लगातार, इसके एक्स पर आप जाकर के देखेंगे तो इसके खिलाफ कहीं ना कहीं आज हमने जॉस्टोन थाने में जाकर के एक तहरीर देने का काम किया और मुकदमा भी लिखवा दिया है। तो जहाँ तक यशो का कहना है, ट्रेस कर लिया गया है और रात तक आज गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम समाजवादी लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं हम लोग उग्र प्रदर्शन को बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इलाहाबाद जिला प्रशासन की। ये बताइए कि किस तरीके से दुष्प्रचार किया था, क्या इसने किया? देखिए, जो एक्स पर इसने एक फोटो, इससे पहले भी ये लगातार डालता रहा है, अभी 2 दिन पहले इसने एक फोटो डाली है जो हमारे श्रद्धेय नेताजी, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उनकी जो समाधि स्थल है, जहां पर आदरणीय अखिलेश यादव जी और श्रीमती डिंपल यादव जी ने जाकर के जो आशीर्वाद लिया था चुनाव में नामांकन के समय जाते समय, वो फोटो थी। उस फोटो के साथ छेड़छाड़ करके उसने कहीं ना कहीं जो शब्दों का प्रयोग किया है, इससे कहीं ना कहीं एक देश भावना फैलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो लोग, ये नफरत फैला करके राजनीति करने वाले लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा आईटी सेल से जुड़ करके भाजपा के नेताओं के इशारे पर इस तरीके से लिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हम समाजवादी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल, हम लोग कार्रवाई चाहते हैं और कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सड़कों पर उतरने के बाद होंगे। कौन छूट गए? आ रहे हैं ना मोहन भाई।